देख रहे हैं एशिया न्यूज़ और मैं हूँ प्रियंका। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ एक कॉलोनी में, जहाँ की लोग बहुत आतंकित हैं इस बात से कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो एक हफ्ते का लॉकडाउन जारी किया गया था, तो उसके बाद से कुछ स्थानीय लोगों की भी मांग है और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की भी मांग है कि लॉकडाउन को बढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ स्थानीय लोगों से कि क्या है उनकी राय फिर से लॉकडाउन पर। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो है मांगा जा रहा है, मांग की जा रही है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। तो एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ज़्यादा हो रहा है, कोरोना पेशेंट ज़्यादा निकल रहा है, इस कारण से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। लेकिन आए दिन जो है, जो गरीब लोगों का जो है काम रुका हुआ है, कुछ चीज़ें बिक नहीं रही हैं, तो ऐसे में आम जनमानस को तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी होगा, पर उधर भी लॉकडाउन नहीं बंद करेगा तो उधर पे ही होते जाएगा, कोरोना बढ़ते जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, तो स्थानीय लोगों की क्या राय है आप बताइए। मेरे का नाम है, स्थानीय लोग को जो लॉकडाउन जो लगा रहा है उसके अनुसार से अगर गरीब आदमी लोग कैसे जिएगा, कैसे कमाएगा और कैसे चलाएगा घर परिवार, जिसका बीवी बाल बच्चा है वो कैसे ज़िंदा रहेगा। जब तक कोई भी इसका समस्या का हल नहीं होगा, कोई भी अगर दुकान उकान नहीं खुलेगा, वो डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग के अगर रख के अगर उसका पालन किया जाए, अगर दुकान अगर खुला जाए, अगर मार्केट में थोड़ा आदमी आए तब किसी का रोजी रोटी चले, अगर ये ज़्यादा दिन तक रहेगा तो आदमी भूखे इसके अलावे मर जाएगा। और जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो डिसीजन है उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, उनको सोचना चाहिए भी कि कुछ ना कुछ तो दुकान खुलना चाहिए अभी का समय में, अगर नहीं खुलेगा तो हद तक आदमी एक तो गर्मी से परेशान है, ऊपर से आदमी भूख से परेशान है, ऊपर से वो कोरोना से परेशान है। अगर ये अगर चीज़ अगर नहीं खुला ना तो बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगा मार्केट का और आदमी लोग इससे भूखे मर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा मोड़ा ढिलाई दे, पूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा अगर ढिलाई देगा तो उससे थोड़ा सा काम हो सकता है। अगर ऐसी रहा तो आगे का हाल बहुत ख़राब हो जाएगा। जो अगर डेली कमाने खाने वाला आदमी है, जो बीवी बाल बच्चा पोसने वाला आदमी है, वो ऐसी भूखे मर जाएगा। क्या कि आज के डेट में सरकार हमको कुछ देने वाला नहीं है, आज तक कोई किसी को देता नहीं है। तो जिसका अगर पांच गो बाल बच्चा है, परिवार है, जो अपने घर चला रहा है, रेंट सब चीज़ करके उड़के, वो कैसे चलाएगा, इसमें कुछ विचार किया जाए। तक लॉकडाउन का भी पालन हो रहा है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है बढ़ रहा है उस पर तो लॉकडाउन ज़रूरी है। ज़रूरी है, लेकिन इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, छूट देना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं। ऐसा आदमी को छूट देना चाहिए जिसका पेट उठ चले, जो आदमी का जो चल रहा है तो अलग चीज़ है, लेकिन जो आदमी अगर छोटा तल्ला का है वो अगर नहीं कमाएगा तो वो आदमी खाएगा कहाँ से। सरकार को इस चीज़ पे भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, उसके बाद रिएक्शन लेना चाहिए। जो अगर डेली कमाने खाने वाला आदमी वो कहाँ जाएगा, वो अगर इस तरह का रहेगा ना तो चार दिन तक उसका घर भी नहीं चलेगा, ऐसे में आदमी मर जाएगा। पानी पी के कितना दिन तक आदमी जिंदा रहेगा? देखा आपने कि किस तरीके से जो है कुछ दुकानदारों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ स्थानीय लोग जो हैं इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो भी सरकार की रणनीति होगी, जो भी सरकार का फैसला होगा, वो उनमें मत मिला रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो दूसरे चरण का जो लॉकडाउन है वो कितने हद तक सफल होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आगे और भी ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं प्रियंका सौरभ रॉय के साथ रांची।